ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, और उसके कुछ डाउट्स हो तो आप लोग सेंड करना, तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे अलग से। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका चैप्टर सेकेंड जो है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका रियल नंबर, और ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आते हैं। और इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक 1 मार्क्स में आता है और एक 2 मार्क्स में आता है। इस तरीके से आपके 3 मार्क्स का ये टोटल चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहली बात आती है रियल नंबर, तो आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत, अगर नंबर्स के बारे में अच्छे से आप लोगों ने पढ़ रखा है छोटी क्लासेज में, पूरा क्लासेज में, तो उसमें आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर के बारे में सबसे पहले, तो मैं आपको बता देता हूँ नेचुरल नंबर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ शॉर्ट ब्रीफ में, आगे आप लोगों को बताया 1, 2, 3, 4 एंड सो, ये जो है आपके क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर हम कहते हैं क्या होल नंबर, तो उसको हम कहते हैं 0, 1, 2, 3, और इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं होल नंबर। फिर हम कहते हैं कि 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2 and -3, इस तरीके से ये जो चलते हैं इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनके अलावा जो ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन है 0, 1, 2, यहाँ 1, 2 इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इनके बीच में अगर हम डिवाइड वाले की नंबर ले लें, जैसे मैं क्या कहूँ 2/3, ठीक है, यानी p/2 फॉर्मेट के जो नंबर्स हैं उनको अगर हम ले लें तो उनको हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर्स का आ जाता है, ठीक है, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इनके अलावा जो नंबर्स होते हैं जो p/2 में शो नहीं होते उनको हम कहते हैं जैसे √2, √3, ठीक है, पाई, इस तरीके के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सारे ये जो नंबर्स अभी हमने लिखे हुए हैं वो सारे इस नंबर लाइन पर शो हो सकते हैं। हमने किया था √2 को भी नंबर लाइन पर शो किया था, ठीक है, √3 को भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम इन सबको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये जो पूरे फॉर्मेट है ये सारे नंबर जो है उनका जो ग्रुप है ये जिसके अंदर आते हैं ये सबके सब किसके अंदर काउंट होते हैं रियल नंबर के अंदर काउंट होते हैं सबके सब, ठीक है। तो उसमें रेशनल भी आते हैं इरेशनल आते हैं सारे नेचुरल नंबर आते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर जो है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर 0 है वो ना पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही नेगेटिव में काउंट होता है। इसमें इधर की बात करें तो ये सारे क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, पॉजिटिव इंटीजर क्या है देख लो 1, 2, 3, 4 ये सारे किसके अंदर काउंट हो रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर के अंदर काउंट होंगे, या फिर यही पॉजिटिव इंटीजर को ही आप क्या कह सकते हो नेचुरल नंबर्स। देखो ध्यान से 1, 2, 3, 4 यही जो पॉजिटिव इंटीजर है वही किसके अंदर काउंट होते हैं वही क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अगर आपके पास में कहीं पर वर्ड आ जाए पॉजिटिव इंटीजर देयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आपको समझ जाए कि 1, 2, 3, 4, 5 से कुछ भी इस तरीके से आपके हो सकते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले नेचुरल नंबर ले लो या फिर पॉजिटिव इंटीजर कहे तो ये वाले वर्ड 1, 2, 3, 4 एक ही बात है दोनों का, तो ये आपको समझना आना चाहिए। तो कौन सा वर्ड क्लियर किया हमने अभी हमने बात की पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में देखा तो क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 एंड सो, इनको हम किसके अंदर शामिल करते हैं पॉजिटिव इंटीजर के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड आपको क्लियर हुआ और कुछ नंबर्स के बारे में हमने देखा, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर जो वर्ड आ रहा है उसके बारे में देखा, ठीक है। अब हम आते हैं जो आपका चैप्टर है उस पे, तो रियल नंबर कौन से हैं ये मैंने बताया अभी, तो इनमें हम सबकी बात करेंगे, ठीक है ना, बाद में आगे इरेशनल रेशनल सबकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि आपका जो चैप्टर स्टार्टिंग है उसकी बात करते हैं। तो सबसे स्टार्ट में जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है इस टॉपिक का इस चैप्टर का वो लिखा हुआ है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब और इसी के साथ जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ये इस पॉइंट के बाद में लेमा के बाद में वो लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने दोनों को मर्ज करके लिखा है यहाँ पर कि दोनों को एक साथ ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ज्यादा कोई डिफरेंस इन दोनों में है, ठीक है। ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है या फिर यहाँ इसी के ऊपर थ्योरम भी कह सकते हो ना थ्योरम, ठीक है, तो थ्योरम भी कह सकते हो यहाँ पर,
थ्योरम को या फिर लेम्मा को दोनों एक ही बात है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्या डिफरेंस है बता देंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत करते हैं लेम्मा जो हमने लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक भयंकर सी डेफिनेशन आप लोगों को मिलेगी कुछ इस तरीके से। If a and b are two positive integers, then there exists a unique integer q and r satisfying a is equal to b two plus r, where r greater than equal to zero less than equal to b। इस तरीके से एक भयंकर सी डेफिनेशन आपको दिखने वाली है। ठीक है, और इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, ये क्या है वो क्या है। ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल्स की तरह तो छोटी छोटी बातों को जॉइन करके फिर इस डेफिनेशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिवीजन की यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की बात हो रही है, तो हम डिवीजन करेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे। तो डिवीजन मैंने आपको छोटा सा डिवीजन दे दिया कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास टू नंबर्स हैं और वो नंबर कौन से हैं, तो नंबर मैंने आपको दे दिया 63 और दूसरा नंबर दे दिया मैंने 30। कौन सा नंबर दे दिया? 63 एंड 30। ठीक है, तो 63 एंड 30 में अगर हम बात करें तो अब मैंने कहा आपको कि 63 को इस 30 से आप डिवाइड करो। क्या करो? 63 को आप 13 से डिवाइड करो। 63 जो है उसको अगर हम 13 से डिवाइड करें, ध्यान से देखना कि 63 जो है वो आपका कोई नेचुरल नंबर है, ये रहा 63, और उस 63 को हमको डिवाइड करना है 13 से। इससे डिवाइड करना है 13 से डिवाइड करना है, तो हमको पता है 13 की अगर हम टेबल बोले तो आपका हो जाएगा 34 का 52, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 52 लिख देते हैं, 52 3 माइनस 2 1 एंड 1 11 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? 11 रिमाइंडर। एक और डिवीजन हम लेते हैं और उसको भी देखते हैं। ठीक है, कुछ डिवीजन लेते हैं इक्वल और हम उसको भी सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको सेकंड दे दिया, सेकंड दिया उसमें मैंने कहा कि आप 12 से डिवाइड करो, चलो 11 से डिवाइड करो। इसको डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड करना है 57। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो आपका हो जाएगा 11 5 10, तो आप करोगे क्या 5 5, और यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 2। क्या रिमाइंडर हो जाएगा? 2 रिमाइंडर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, और अब मैंने कहा कि आप यहाँ पर डिवाइड करो 8 की टेबल से। किसको डिवाइड करो आप? 8 की टेबल से डिवाइड कर दो 89, थोड़ा अच्छा लेते हैं 91, इसको डिवाइड करो 91, तो आप लोग क्या करोगे 91 नहीं लेते, हम ले लेते चलो 89 ले लेते। ठीक है, 89 तो क्या होगा, हाँ 8 1 8 1 8 0 हो गया, ऊपर से क्या आया 9, फिर 1 10, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8, और ये रिजल्ट हो जाएगा 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया, कुछ डिवाइड करके बताए उनमें क्या क्या आ रहा है और उसकी बातें हमने कर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो है हमको पता है, ठीक है कुछ बातें लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका ये जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक है, ये जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं डिवाइडेड, इसको क्या कहते हैं डिवाइडेड, इसको कहा जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन इसको कहा जाता है रिमाइंडर, इसको कहा जाता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, इसको कहा जाता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये आपका डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है, ये क्वेश्चन है और ये क्या है, रिमाइंडर है। हमने क्या किया था, हमने जो 63 था हमारे पास 2 ही नंबर थे, कितने नंबर थे 2, कौन से था, तो हमारे पास था 63 और इसको डिवाइड कर देते हम 13 से, इसे डिवाइड कर रहे थे 13 से। ठीक है, तो 63 डिवाइड बाय 13, ये 2 नंबर्स ही थे और इससे हमने 2 और नंबर निकाल लिए, कौन से 11 और क्या आया, और आया आपके पास 4, 11 और क्या आया हमारे पास 4,
ये टू नंबर्स और एक्स्ट्रा हमने फाइंड कर लिए। तो हमको क्या पता चला कि अब टू नंबर्स तो थे और दो एक्स्ट्रा नंबर हमने फाइंड करे और इनको यहाँ पर ये आपका क्या है डिवाइडेंड, ये डिवाइजर और ये था आपका रिमाइंडर और ये है क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। तो 63 डिवाइड बाय 13 करने से ये आ रहे हैं। तो इन फोर नंबर्स में क्या रिलेशन है उसकी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो वो रिलेशन हमने देखा, थोड़ा सा सोचा, माइंड लगाया कि डिवीजन में क्या रिलेशन है। तो हमने देखा कि ये 13 है, 13 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि हमने 13 4 का 52 किया था ना, और उस 63 में से 52 माइनस किया था ना, और फिर आपके पास 11 आया था। तो इसका मतलब ये समझे कि 13 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास क्या आया 52, और 52 में अगर 11 जो आया था, ठीक है, क्योंकि रिलेशन हमको इन चारों के बीच 52 नहीं लिखेंगे, हम क्या कहेंगे डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइडेंड के बीच में रिलेशन चाहिए। तो हम कहेंगे 30 मल्टीप्लाई 4 52 हमने देखा कि 30 मल्टीप्लाई 4 52 हुआ और उसमें ये 11 ऐड कर रहा हूँ, 13 का इस 4 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 52 हो रहा है और 52 में ये 11 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इसका क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई और उसमें 11 ऐड कर रहे हैं, इसमें 11 ऐड। तो हमने देखा कि 52 और 11 क्या हो गया 63, यानी कि ये 63 निकल कर आ गया, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 63 इज इक्वल टू 63 कैसे आ रहा है यहां पे, जब हम ये 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 30 मल्टीप्लाई क्वेश्चन कर रहे हैं 4 प्लस क्या कर रहे हैं 11, इससे आपका 63 यहां पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न है कि हम यहाँ पर डिवाइजर का क्वेश्चन से मल्टीप्लाई और क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेड, ऐसा कुछ प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है, क्या ये सब पर अप्लाई हो रहा है, तो हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई है, हम 30 को डिवाइड कर रहे हैं 57, और 57 किससे बन रहा है तो 11 5 और 2 से बनना चाहिए, तो 11 मल्टीप्लाई 2 11 मल्टीप्लाई 5 11 मल्टीप्लाई 5 11 मल्टीप्लाई 55 प्लस 2 57, यहां पर भी वही कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है, क्या यहां पर हो रही है, चेक करा हमने 89 8 मल्टीप्लाई 11 प्लस 8 क्या बनना चाहिए 89 बन रहा है क्या, कर लो प्लस क्या कर लिया +1, ठीक है +1, तो ये हो गया 88 प्लस 1 89, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जितने भी डिवाइड्स हैं, जितने भी डिवीजन हम कर रहे हैं, सब में ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉलो होती ही होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को अगर हम लिखें तो यहाँ पर हम लिख के बताते हैं आपको क्या कि हमको समझ में आ रहा है कि हम जो यहाँ लिख रहे हैं वो क्या आपका डिवाइड है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड इक्वल टू 11 जो था वो क्या है आपका डिवाइजर, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 क्या है आपका, तो 5 जो है वो है क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर। तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो जितने भी डिवीजन होते हैं उसमें आपकी फॉलो होती है। तो डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, कि आपका कोई भी डिवीजन ले लो उसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई होने ही वाली है, ठीक है। तो इस बात को हम लिखते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस पे पहुंचेंगे लेकिन उससे पहले ये बातें आप क्लियर करो तो आपको बेनिफिट होगा कि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बात जो सीखनी थी वो थी डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। कैसे होता है वो हमने देख लिया, अब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं
क्यू ही है इस इक्विलिब्रियम डिवीजन में, उसको भी हम देखेंगे। तो अभी हमारे पास एक पॉइंट निकल कर आया और वो पॉइंट है डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू डिवाइसर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से ये हम फॉर्मेट हमारा निकल कर आया, ठीक है। अब हम फिर से एक डिवीजन लेते हैं और एक और बात उसमें कहते हैं कि रिमाइंडर के बारे में कुछ बातें सोचते हैं तो हमको क्लियरिटी मिलेगी। रिमाइंडर के बारे में क्या, कि जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है, ठीक है, जैसे हम जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने डिवाइड किया था 89 डिवाइड बाय 8। इस डिवाइड को वापस देखते हैं, हमने क्या किया 110 डिवाइड कर दें तो ये आ रहा 8 और ये हो गया 0 और ऊपर से ये हो गया 9। और हम फिर से क्या करेंगे, 110 डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आ गया 8 और रिमाइंडर हो गया 01। रिमाइंडर क्या हो गया 01। अब हमारे पास में और कोई यहाँ पर डिजिट नहीं है जिसको हम याद लें और उसको और डिवाइड कर सके, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर ये जो रिमाइंडर है इसकी जो वैल्यू है वो 1 नहीं आती, 10 आ जाती, ठीक है। यहाँ पर जैसे हुआ ना, जब यहाँ पर 0 था ऊपर से 9 आ गया और 9 में 09 है वो तो 8 से बड़ा है, तो अब 09 में हम 09 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 01 आया, जैसे 01 आया तो हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर तभी होगा, कोई नंबर यहाँ पर रिमाइंडर तभी हो पाएगा जब वो इससे छोटा हो जाए। इससे क्या हो, छोटा हो। अब इससे छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तो इसका मतलब हम ये समझे कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। हमको एक बात समझ में आई, एक स्टेटमेंट यहां पर समझ में आया कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, लेस देन डिवाइजर। अगर वो लेस देन नहीं होगा, अगर यहां पर ये 01 नहीं होता, सपोज करो कि 11 हो जाता, तो क्या ये रिमाइंडर हो गया? नहीं, क्योंकि 11 में तो और आप 8 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है, और डिवीजन हो सकता है तो आप डिवाइड कर लोगे, उसके बाद क्या बचेगा रिमेनिंग, वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर होने के लिए किसी डिजिट को, किसी नंबर को आपका रिमाइंडर होने के लिए वो ऑलवेज डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, इक्वल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इक्वल आ गया यहां पर 08 हो गया तो 8 में भी तो आपका 8 का डिवीजन हो जाएगा, तो आप डिवाइड कर दोगे तो 1 टाइम रिमाइंडर फिर 0 बन जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन क्या होता है, डिवाइजर। और क्या हो सकता है, लास्ट 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 अगर आप देखोगे तो आपका रिमाइंडर कितना हो सकता है, लोएस्ट कितना हो सकता है, 0, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर कोई डिवाइड डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो लास्ट रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0। और बड़ा से बड़ा कहां तक पहुंच सकता है, डिवाइजर तक नहीं पहुंचेगा, डिवाइजर से छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपकी इसमें डिवीजन में फॉलो होनी चाहिए, क्या, रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमने डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर क्वेश्चन या रिमाइंडर में रिलेशन निकाला, लेकिन इस रिलेशन में बाउंडेशन ये है कि रिमाइंडर आपका कैसा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिवाइजर, इन दोनों के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर इतना पार्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो इसका मतलब आपके ये दोनों पॉइंट खत्म हो गए, कंप्लीट खत्म हो गए। क्या पहला पॉइंट इक्विट डिवीजन लेमा, क्या है इक्विट डिवीजन लेमा, यही है बस, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर क्या होगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन डिवाइजर, बस इतने में खत्म हो गया। अब आपको विस्तार कैसे, अब हम आते हैं इस पॉइंट में, इन दोनों को मर्ज करते हैं और समझते हैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को, तो देखते हैं उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, वो डेफिनेशन क्या आप समझाना चाह रही है हमको उसको देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन
देन एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। यहां पर क्या है कि ए एंड बी जो है पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। कैसे इंटीजर होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां पर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, दो और इंटीजर होने चाहिए। यहां पर फिर से लिख रहा हूं मैं, दो इंटीजर पहले थे और इन दो के लिए दो और इंटीजर यूनिक क्यू और आर होने चाहिए, ठीक है ना। ये कहा कि ए भी तो है, ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी है हमारे पास और इन दोनों के लिए क्या कहा, देयर एग्जिस्ट, दो और एग्जिस्ट होने चाहिए यूनिक इंटीजर क्यू और आर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई। ये जो कंडीशन बनी है वो कुछ कुछ आपको लग रही होगी कि इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये बस इतनी सी बात है कि हमारे पास ए और बी, ठीक है, और बस इतना सा है कि ए डिवाइड बी है तो क्यू आपका कोएफिशिएंट है और आर आपका रिमाइंडर है। तो कैसा बनेगा देखो, यहां पर अगर मैं इसको इस फॉर्मेट को डिवीजन के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि हम डिवाइड कर रहे हैं ए को, किससे डिवाइड कर रहे हैं, बी को, जो कोएफिशिएंट आएगा वो कौन आ जाएगा, क्यू, और यहां पर जो लास्ट में रिमाइंडर आ जाएगा वो कौन हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंपेयर करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अब अगर ये b डिवाइड a हो रहा है, a डिवाइड b हो रहा है, तो आपका क्या होगा, देखो b डिवाइड a डिवाइड b हो रहा है तो किस तरीके से करेंगे, तो आपका a जो है वो किस तरीके से बना होगा, तो ये क्या कि किस तरीके से वर्क करेगा, डिवाइडेड की तरफ, किस तरीके से वर्क करेगा, डिवाइडेड की तरफ, और ये वर्क करेगा आपका डिवाइजर की तरफ, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। तो आपका डिवाइजर जो है और डिवाइडेड जो है वो किस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से डिवाइडेड इज इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर देन कौन हो गया ए, और डिवाइजर कौन हो गया बी, क्वेश्चन कौन हो गया मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्यू प्लस आर। ध्यान से देखो कुछ बन रहा है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ए और बी होंगे तो टू रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना, यूनिक रिजल्ट, ए बी और क्यू और आर कौन, क्वेश्चन और रिमाइंडर आएंगे, और क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइजर का यूज करके वापस डिवाइडेड भी बन सकता है ना, क्वेश्चन डिवाइजर और रिमाइंडर का यूज करके वापस क्या बन सकता है आपका, डिवाइडेंट बन सकता है। इसको ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यूक्लिड डिवीजन लेमा के, ठीक है। तो इसको हम उसकी फॉर्मेट में हम देखते हैं, वापस देखते हैं, लिख रहे हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि a डिवाइड बाय b, b किया है तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो q है और रिमाइंडर आएगा वो r है, तो a इज इक्वल टू bq प्लस r बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप बना लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि a इज इक्वल टू bq प्लस r होगा वो हमने समझ लिया कि ठीक है, जो डिवाइडेड है वो पॉजिटिव इंटीजर है a, और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, b से। तो डिवाइजर कौन हो गया, b इनटू क्वेश्चन क्या आ रहा है, q, तो bq प्लस r, क्या कह रहे हैं, प्लस r, रिमाइंडर को तो r से लिख दिया, ठीक है। तो ये सारे तो हमको पता है कि अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं तो दो पॉजिटिव इंटीजर को जब हम डिवाइड करते हैं, समझो जैसे ने 60 को 16 से डिवाइड करूंगा तो हमको पता है ये पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और इनको डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कितना जाएगा, 3, और रिमाइंडर आ जाएगा 12। तो ये दोनों भी पॉजिटिव ही होंगे और यूनिक होंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए ये दोनों ही होंगे, क्योंकि इसमें इसका डिवाइड हो रहा है, और तो कोई पॉसिबल है ही नहीं ना, क्या 4 की जगह कोई और नंबर लेने से ये रिलेशन बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए वर्ड आ रहा है कि ऐसे एग्जिस्ट होने चाहिए जैसे 4 और 12 एग्जिस्ट है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ऐसे है ना, जिससे क्या बन रहा है, ये वाला जो रिलेशन है आपका डिवाइजर डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बने, ठीक है। तो और वो यूनिक होंगे क्योंकि 4 और 12 ही ले सकते हो ना इन दोनों के लिए, और कोई ऐसे एग्जिस्ट नहीं है। तो हमने समझा कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, ए आपका किसी तरह वर्क करने वाला है डिवाइडेड की तरह, देन बी डिवाइजर, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ए डिवाइड बी करने से जो रिजल्ट आएगा वो क्वेश्चन प्लस क्या बचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा,
लेकिन हमने अभी यहाँ ऊपर देखा रिमाइंडर के बारे में, तो पॉसिबिलिटी रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर तभी होगा, रिमाइंडर का रिमाइंडर को रिमाइंडर तब कह सकते हैं जब वो डिवाइजर से छोटा हो। तो हम यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कौन है, आर, आर जो है, आर जो है, आर और क्यू जो है वो भी क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर चारों ही है तो पॉजिटिव इंटीजर, तो आर जो है वो कैसा होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, डिवाइजर कौन हो गया यहाँ बी, बी से छोटा होना चाहिए, बी से क्या है छोटा होना चाहिए, और छोटा से छोटा कितना हो सकता है, लोएस्ट कितना हो सकता है, तो जीरो, तो जीरो से बी के बीच में आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो ये देखा ना आसार में कंडीशन कि जीरो, ठीक है, आर जो रिमाइंडर है वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी, इस तरीके से देखा। तो हमने ये समझा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उनको डिवाइड करने से जो कंडीशन बन रही है, ठीक है, दो नंबर क्यू और आर एग्जिस्ट होने चाहिए और वो इस कंडीशन को फॉलो करें, वो यूनिक नंबर जो है ये तीनों मिलकर इस कंडीशन को फॉलो करें, मतलब वो डिवीजन ही हो रहा है, कुल मिलाकर डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन की ये जो प्रॉपर्टी है डिवाइडर इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की जो कंडीशन है उसको भी वो बताना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, और a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और जीरो, इस तरीके से किस तरीके से हमने इसको लिखने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ तक बात होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अब हम जो बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। अब दोनों साथ में लिखे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, दोनों टॉपिक तो अलग अलग दे रखे हैं आपको बुक में, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम किसी एप्लीकेशन पर या कहीं पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का बार बार प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम स्टेप वाइज, फर्स्ट स्टेप में यूक्लिड डिवीजन यूज हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप में यूक्लिड डिवीजन यूज हो रहा है, यूक्लिड डिवीजन यूज हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा, और ये अपने लिए काम का भी है। तो इसका यूज अगर बहुत बार हो रहा है और उससे हम किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो पार्ट है, वही आपका एल्गोरिथम कहलाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें, इस लेमा को ही कभी भी क्या कह देते हैं, एल्गोरिथम भी कह देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हम यूज कर रहे हैं तो एल्गोरिथम वर्ड यूज करो तो भी चलेगा और लेमा वर्ड यूज करो तो भी चलेगा। हम किसी क्वेश्चन में बार बार अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस बात को मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे बार बार होगा, ठीक है, और इससे हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, हाँ, तो नोट कर ले। यस, तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये क्या फाइंड आउट करने वाला है और कैसे करने वाला है, ठीक है, उस पॉइंट को हम सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं, चलो ठीक है। तो ये जो फाइंड आउट करने वाला है वो बात होने वाली है एचसीएफ की, किसकी बात होने वाली है एचसीएफ की यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम बात करने वाले हैं कि इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या फाइंड करना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ जो है वो हमको फाइंड करना है। तो हमने वैसे हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ फाइंड करना छोटी क्लास में सीख ही रखा, ठीक है, तो उसी कंडीशन को मैं वापस लाता हूँ एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कहा जैसे मैंने कोई दो नंबर दे दिए 24 और दूसरा दे दिया 40, जैसे दे देता हूँ 56, ठीक है, ये दोनों मैंने नंबर दे दिया आपको और मैंने कहा कि इन दोनों का क्या फाइंड कर लो आप, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लो, 24 एंड 56 का एचसीएफ फाइंड करो। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने पढ़ा है उससे हम इनके क्या कर लेते हैं, इनके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। चलो इसको ऐसा ले लेते हैं 56 है ना, तो हम ले लेते हैं 64 ले लेते हैं, ठीक है, तो 24 एंड 64 अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो डिवाइड बाय 2, 12 हो जाएगा, फिर 2, इस तरीके से पढ़ा ना, एंटीना मेथड कहते हैं,
फिर 2 और 2 से कर लेते हैं तो ये हो गया 3 और 3 से कर लेते हैं तो ये हो गया 1। सेकंड पॉइंट देखते हैं तो यहां 2 से कर रहे हैं 32, 2 से कर रहे हैं 16, 2 से करें तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 4 2 2 एंड 2 1। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये इस तरीके से करेंगे। अब यहां पर देखा कि 24 के जो फैक्टर्स हुए हैं वो क्या हुए, तो यहां लिख देता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और सेकंड है 64, तो उसको भी ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से आपके टोटल इस तरीके से फैक्टर हो गए। अब क्या करते थे, अब हम करते थे कि हाईएस्ट कॉमन देखते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते थे 2 2 2, यहां भी 2 2 2, तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन है, बाकी कोई कुछ कॉमन नहीं है। तो अपने पास आया 2 2 एंड 2, यानी कि हो गया 8। तो इस तरीके से एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का 8। ये हमने पढ़ रखा है, ये हमने लास्ट छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपके इसमें भी है, टेंथ में भी है, ऐसा नहीं है कि पहले पढ़ा था नहीं, अब भी है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो करते हैं इसको। अब इसी क्वेश्चन को हमको किससे करना है, हमको करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। किससे करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा ना आंसर क्या है, आंसर आ रहा है इसका 8, इसका 24 एंड 64। लिख देता हूं मैं आंसर पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का। HCF ऑफ 24 एंड 64 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। किससे करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि आप एक काम करो कि आपको टू नंबर्स का क्या चाहिए, HCF, टू नंबर्स का क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो HCF के लिए देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो देखो दो नंबर मैंने लिखे, जैसे मैंने लिखा 12 और दूसरा लिखा 6। अब 12 और 6 में HCF क्या हो जाएगा, तो HCF आपको पता है कि ये 6 से 12 को डिवाइड करता है, तो इसको 6 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, ये 6, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन कितना आ रहा है, 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो नंबर है वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, तो वो उन दोनों नंबर से या तो छोटा होगा, या फिर क्या हो सकता है, छोटे नंबर के इक्वल होगा, बड़े के इक्वल नहीं हो सकता ना। ऐसे कोई टू नंबर हो ही नहीं सकते जिनमें बड़े नंबर, जो बड़ा नंबर है, बड़ा जो नंबर होगा वो HCF बन जाए, ऐसा तो कभी होगा नहीं। जैसे मैं लिख दूं आपको 8 एंड 4, तो 4 8 को डिवाइड करता है, तो 8 4 HCF होगा या 8 होगा, 4 HCF हो जाएगा, ठीक है। 8 HCF हो सकता है क्या कभी, तो जब भी आपको टू नंबर दे रखे हैं जिनका HCF आपको फाइंड करना है, तो वहां पर उन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, जो बड़ा नंबर होगा या तो उसके इक्वल होगी, या फिर उससे क्या होगी, छोटी होगी, उससे बड़ा, उससे बड़ी तो होगी नहीं ना, ठीक है। तो या तो क्या होगी, 24 के इक्वल हो जाएगी, जो बड़ा छोटा नंबर है उसके इक्वल हो जाएगी, या फिर उससे छोटी होगी, ये हमने देखा। तो एक बात ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 है वो क्या हो रहा है, 6 है वो क्या हो रहा है आपका HCF हो रहा है, क्योंकि 6 का 12 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम यही प्रोसेस अपनाने वाले हैं, बार बार डिवाइड करने वाले हैं। अगर फर्स्ट टाइम में, ठीक है, देखो यहाँ पर 6 है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आए तो आपका जो 6 है वही क्या बन गया, डिवाइजर ही क्या बन गया, HCF बन गया, ठीक है। तो ये वाली चीज हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अभी थोड़ा नहीं यार दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि टू नंबर जिनका दो नंबर, वो दो नंबर जिनका HCF आपको निकालना है, उनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो HCF है वो छोटे नंबर के इक्वल तक हो सकता है, या फिर वो छोटे नंबर से भी क्या होगा, छोटा होगा, ये हम कहें। चलो स्टार्ट करते हैं 24 और 64। तो यहाँ पर आपके पास है, एक तो है 24, देखना ध्यान से 24 और 64। देखो इसका प्रोसेस ये कहता है कि इन दोनों में से आप बस ये सेलेक्ट करो कि बड़ा कौन सा है, तो 64 ग्रेटर देन 24, ठीक
क्या है इन दोनों में से हम क्या सेलेक्ट करो, बड़ा कौन सा है, हमने देखा कि 64 बड़ा है 24 छोटा है, तो हम पहली चीज क्या अप्लाई करेंगे कि ये 64 को 24 से डिवाइड कर देंगे, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो यही 64 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और 24 है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो चेक किया, यहां पर हम डिवाइड करके देखते हैं, 64 डिवाइड बाय 24 2 टाइम 48 रिमाइंडर हो गया 16, रिमाइंडर क्या हुआ 16 हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमको पता चला कि 64 इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर रहे थे 24 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2, डिवाइजर मल्टीप्लाई, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्या बन रहा है 64, यस बन रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम कि यहां पर हमने देखा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर r, ठीक है, और स्मॉल r कह देते हैं, यहां पर r हम कह देते हैं, तो रिमाइंडर आ गया R is equal to 16, जो not equal to क्या है 0, ठीक है। जैसे ही reminder not equal to 0 हुआ, हमको पता चला कि 24 जो छोटा नंबर था वो HCF नहीं है, इसका मतलब उससे और छोटा कोई नंबर होगा, ठीक है। तो वो डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना है, अब यहाँ पर जो आपका ये जो 16 reminder आया है उसको divisor की तरफ treat करना है, उसको किसकी तरफ treat करना है, divisor की तरफ, और ये जो 24 था उसको आपको ट्रीट करना है डिवाइडेड की तरह। मतलब क्या करना है, अब आपको क्या लेना है, अब आपको यूज करना है किसको 16, ये स्टेप फर्स्ट आपके कंप्लीट हो गई, और स्टेप सेकंड में हम क्या लेंगे, जो रिमाइंडर आया वो कौन है 16, और जो आपका पहले डिवाइजर था वो कौन है 24, इन दोनों में से आपको नंबर सेलेक्ट करना है, कौन बड़ा है 24, तो हम कर लेंगे 24 डिवाइड बाय 16, 24 डिवाइड बाय 16, तो इस तरीके से, तो इसको डिवाइड 24 डिवाइड बाय 16 वन टाइम 24 क्या हो गया रिमाइंडर 8, तो इसको भी हम लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, फिर से वही बात, रिमाइंडर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू 0, फिर से बात करेंगे स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड क्या हो गया रिमाइंडर 8 और डिवाइजर का डिवाइजर अब कौन बन जाएगा 8 और डिवाइजर क्या बन जाएगा, ये जो नया रिमाइंडर आया वो क्या बन जाएगा आपका डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो अब बन जाएगा डिवाइडर, मतलब 8 और दूसरा कौन 16, बड़ा कौन 16, तो अब करेंगे हम 16 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 16 0, तो हमको पता चला 16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, जब ये स्टेप खत्म होगी जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उस स्टेप में ही आपका सेफ होगा, और उस स्टेप में उस डिवीजन में उस डिवाइड इस डिवाइड का है ना रिमाइंडर 0, तो इस डिवाइड में डिवाइजर कौन है, इस डिवाइड में डिवाइजर कौन आ रहा है 8, तो यहां पर जो डिवाइजर है, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में इसको लिखना कैसे है वो भी बताएंगे, अभी मैं समझा रहा हूं, तो ये हो गया, तो डिवाइजर कौन है 8, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा किसका, तो यहां जितने भी डिवाइड हुए हैं, जितने भी डिवाइड हुए हैं जिन टू नंबर्स के बीच में डिवाइड हुए हैं, जिन दो टू डिजिट नंबर के बीच में डिवाइड हुए हैं, उन डिवाइड्स उन दोनों का एचसीएफ ले, मतलब ये कि हमको किसका पूछा गया था 24 एंड 64, तो उसका एचसीएफ 24 और 64 का यही है, या फिर कोई कहेगी और भी तो डिवाइड हुआ था 24 उसके बाद 16 और 24 कौन 16 एंड 24 इन दोनों का भी डिवाइड एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 8 होगा, पर 8 और एंड 16 एचसीएफ of 8 and 16 ये भी क्या होगा आपका 8 ही होगा, क्योंकि लास्ट स्टेप वहां पर पहुंचे हैं हम जहां पर 8 16 को डिवाइड कर देता है, 8 जो कंप्लीट है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है 16 के अंदर आ रहा है, तो इसलिए क्योंकि 8 है 8 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 16 और 8 8 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से तो ये सब के एचसीएफ क्या है आपका 8 है, तो ये हमने सीखा किसी का इस नंबर का एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। तो यहां पर अब मैं आता हूं वापस इक्वल डिवीजन को इंट्रोड्यूस करता हूं,
इक्वल डिवीजन लीमा तो ये कहता है कि जब किसी नंबर को किसी दूसरे अदर नंबर से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा और उसमें ये रिलेशन होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन ऐसे हमने कितने रिलेशन किए हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने फर्स्ट डिवाइड किया था इसको, फिर हमने डिवाइड किया इसको, और फिर यहाँ पर डिवाइड किया, तो हमने कितने स्टेप किए, 3 स्टेप में काम कंप्लीट हुआ है और 3 टाइम्स हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज किया है, ठीक है, तो 3 टाइम यूज हुआ है इसका, तो ये जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट फॉर्म है, ये किसके अंदर काउंट हो जाती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर काउंट हो जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और किस तरीके से निकालते हैं, तो इसके मैं प्रोसेस है जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया था, अभी इसका प्रोसेस मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी तो सब इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखवा देते हैं कि हमको क्या करना है, हमारे पास में जिन टू नंबर्स का क्या करना होगा, एचसीएल, लेट और टू नंबर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर ए एंड बी, ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर दो कौन है आपके, ए एंड बी हैं, और हमको एचसीएल किसका फाइंड करना है, ए बी का ही तो फाइंड करना है, ठीक है, ए और बी का क्या करना है, एचसीएल फाइंड करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट ये कहती है कि ए और बी में से कौन बड़ा है ये डिसाइड करो, अभी के लिए फर्स्ट लेट ए ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन क्या करेंगे हम, तो ए की वैल्यू लिखेंगे बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, क्योंकि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम ए किससे डिवाइड करेंगे, ए डिवाइड बाय क्या करेंगे, बी करेंगे, तो क्या होगा, क्वेश्चन आएगा क्यू और रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट बनेगा, तो a इक्वल टू b क्यू प्लस r, ये फर्स्ट स्टेप होगी। अब यहाँ पर जो है वो फर्स्ट चांस कि r इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड ये बना लिया, और एक r इक्वल टू जीरो, देन जो यहाँ डिवाइजर हो, देन b या फिर काउंट की डिवाइजर, क्या जो उस डिवीजन में डिवाइजर था इज एचसीएल, ठीक है, वही क्या हो जाएगा एचसीएल, बट आर नॉट इक्वल टू जीरो, देन अगर आर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो आर को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, आर कैसे लेंगे, R as divisor, R then R as divisor and R जो आया है उसको divisor की तरह लेंगे and B and take B as divisor, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हम यहां से शुरू करेंगे, तो हमने कहा कि डिवाइजर अगर जीरो, ये जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं हुआ तो हम r जो आया है रिमाइंडर उसको डिवाइजर और जो पहले डिवाइजर था उसको डिवाइडेंड की फॉर्म में लेंगे, तो हम देखेंगे b और r में इसमें की कनेक्शन देखेंगे b और r में, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, 100% b बड़ा होगा, ठीक है। तो इस पे फिर से अप्लाई करेंगे कौन सा, यूक्लिड डिवीजन बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये बनेगा b इक्वल, अब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं r से, ठीक है, और नया क्वेश्चन क्या आएगा q1 प्लस और नया रिमाइंडर क्या हम ले लेते हैं r, इस तरीके से, और फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, ठीक है, इसको हटा देते हैं, यस, तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, तो फिर सेम प्रोसेस अपना रिपीट हो जाएगा, स्टेप थर्ड में वही देखेंगे एक r इक्वल टू जीरो, देन r1 नया रिमाइंडर क्या आ रहा, r1 इक्वल टू जीरो, देन hcl इज
स्टेप का डिवाइजर क्या था r, वही आपका अगर r1 की वैल्यू 0 होती है तो इस स्टेप में जो r था वही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन बट इफ r1 नॉट इक्वल टू 0 देन r1 को किस तरीके से देखेंगे डिवाइजर, और जो यहां पर डिवाइजर था वो कौन है r को कैसे देखेंगे डिवाइड है, और इस तरीके से ये प्रोसेस स्टेप टू स्टेप फॉलो होगा। कब तक फॉलो होगा, जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। जहां रिमाइंडर जीरो आया वो उस स्टेप में ठीक है, यहां पर रिमाइंडर ये स्टेप 2 का ही काम था वैसे, इस स्टेप 2 में अगर r1 जीरो आया तो आपका काम खत्म है। यहां पर डिवाइजर कौन है r, वही आपका रिमाइंडर एचसीएफ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका r1 जीरो नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप में फिर डिवीजन होगा, फिर रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 तो फिर से होगा, इस तरीके से चलेगा। तो कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। रिमाइंडर जहां जीरो आया उस डिवाइड में जो डिवीजर है वही आपका एचसीएफ होगा। तो ये मैंने अभी एक एग्जांपल से भी बता दिया और इस तरीके से भी बता दिया है, तो पॉज द वीडियो टू नोटेड डाउन। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा सबसे पहले होता क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखा, और इससे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन के कुछ के यूज के कुछ क्वेश्चन भी हैं उनको भी हम देखेंगे, और इसकी एक्सरसाइज जो 2.1 है वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ के रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक वापस, ये चैप्टर आपको वापस स्कूल में नहीं रिपीट नहीं करवाया जाएगा, इसलिए कंप्लीट कर लें। और कोई अगर डाउट है आपके, कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग जरूर मुझसे शेयर करें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।